कार्यक्रम में चल रहे घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का बयान सामने आया है। भार्गव ने वन मंत्री उमंग सिंघार को शेर की संज्ञा दे दी है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि उमंग सिंघार शेर है, साफ कहते हैं, जो भी बोलते हैं बिना राजनीतिक नफा नुकसान के बोलते हैं और उन्होंने जो कहा है उनकी बात में दम है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर सरकार कौन चला रहा है। वहीं भार्गव ने सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कलेक्टर अधिकारी कलम बंद करके बैठे हुए हैं, प्रदेश दिवालियापन की कगार पर है। जमुना देवी जी के प्रति ये है, जमुना देवी जब प्रतिपक्ष में थी, जब मैं मंत्री था उस समय वो जुझारू थी, सच्चाई को उजागर करने में हमारी जो जमुना देवी जी थी उनका कोई मुकाबला नहीं था। विधानसभा के अंदर उनके भतीजे हम अल्ले सिंगार, मैं मान के चलता हूँ कि जैसा उनका नाम है सिंगार उसे सिंहार मान के चलता हूँ। जनजाति के लोग जो होते हैं शुद्ध हृदय के होते हैं, जो बात कहते हैं साफ बगैर किसी राजनीतिक लाभ लपेट के और नफा नुकसान के बगैर वो हर बात को कहते हैं। उमंग सिंघार ने जो बात कही है उस बात में बहुत दम है और मुझे भी ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हम पहले दिन से कह रहे थे उस राज्य को चला कौन रहा है। कोई कह रहा ढाई मुख्यमंत्री, कोई कह रहा तीन मुख्यमंत्री, कोई कह रहा साढ़े तीन मुख्यमंत्री, कितने लोग हैं जो सरकार को चला रहे। समय पूरे प्रदेश के अंदर घोर प्रशासनिक अव्यवस्था जा रही है। कलेक्टर SP हाथ पर हाथ रखे रहे हैं, कलेक्टरों ने अपनी कलमें बंद कर ली हैं, पेन उन्होंने जेब के अंदर डाल लिए हैं कि अब हमें कुछ लिखना नहीं है, पता नहीं कौन आता कौन जाता, किसका आदेश माना किसका नहीं माना, वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है, वास्तविक अधिकारी कौन है, किसके कहने से मैं हटूंगा, किसके कहने से आऊँगा, ट्रांसफर किसके कहने से हो रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। और जैसा कहा बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे से सब ये हो रहा। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राज्य की कभी रही नहीं जैसी स्थिति वर्तमान में बनी। उनके कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ भी विवाद हो, संघर्ष हो, सैद्धांतिक है, व्यक्तिगत इसके बारे में नहीं जाना चाहता, पैसों के लेन देन के ऊपर इस पर भी नहीं जाना चाहता, लेकिन इससे राज्य के हित प्रभावित नहीं होगा, प्रशासनिक हित प्रभावित नहीं हो, क्योंकि इस राज्य की सेहत एक बार बिगड़ गई तो जो आर्थिक मंदी चल रही वो भी और प्रशासनिक मंदी भी आ गई और इस कारण से बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं सोनिया गांधी जी से भी मांग करूँगा कि अपने दल के अंदर चल रहे इस बात के जल्दी निपटाए, क्योंकि मध्य प्रदेश दिवालियापन के कगार पर 12,000 करोड़ रुपए का ऋण अभी राज्य सरकार ने लिया है 6-8 महीने, और भी लेने जा रही है 2,000 करोड़ रुपए का। लगातार प्रदेश दिवालियापन की कर्जदारी की स्थिति बढ़ रहा है, अब यहाँ पर कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति राज्य में नहीं बने, क्योंकि सरकार आगे जो भी आएगी जो भी बनेगी उसको सब इन जो ये गलतियाँ हैं या कुकर्म कह लें राजनीतिक कुकर्म दुष्कर्म है, उसका नतीजा राज्य की जनता को ही भोगना पड़ेगा और आगे आने वाली सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे उनको ही भोगना पड़ेगा।